बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम यूट्यूब चैनल जंग रंग तो मैं हाँ अंसर खान बलोच। नाज़रीन कहानियों विच और फिल्मों दे विच तुसीं हीर रांझा का जिक्र सुनिया हो सी। हीर रांझा का मज़ार जंग दे विच फैसलाबाद रोड जंग विच हीर रांझा का मज़ार है। अज अपने यूट्यूब चैनल जंग रंग तो असी इश्क और मुहब्बत की अजीम दास्तान हीर और रांझा का मज़ार भी कहते हैं और तुहानू उस मज़ार की सैर करवाते हैं। सर इत्थे इस हीर और रांझा दा इन्नी असी कहानियां च पढ़िया फिल्मां दे विच वेख्या और बड़ी एक चाह आउंदी है यार हीर रांझे दे दरबार ते जावीए। पर अज असी भी अपने जंग रंग तो हीर रांझे दे दरबार ते आए हैं। सर इत्थे कित्थों कित्थों दे लोग आते हैं? पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इंडिया से भी आते हैं, बाहर के मुल्कों से भी आते हैं। इंडिया तो भी आते हैं? जी इंडिया से भी आते हैं। ये ज़्यादातर लोग सर किस किस्म के होंगे ने? मतलब असी तो यह भी सुने कि लड़कियां लड़के इतने ज़्यादा आते हैं। नहीं, हर किस्म के लोग आते हैं यहाँ पर। कहते तो यही हैं कि शादी के लिए धागे, ये धागे मंदों के लिए बांधते हैं। कहते यही हैं कि शादी के लिए बांधें, लेकिन इधर हर मकसद के लिए धागा बांधा जाता है। तो फीडबैक ही मिले है कोई नौजवान जोड़ा आए हुए और उस तो बाद दोबारा आए हुए कि यार असी एक धागा बने आए तो साड़ी मन्नत पूरी हुई है असी दोबारा? जी दो तीन तो हमें मुझे भी मिले हैं कि हमारे धागा बांधा था, हमारी शादी जिधर हम चाहते थे उधर ही हो गई है। सर जिहड़ा इत्थे है सिस्टम, इस सिस्टम वगैरह सारा कौन चलांदा है? ये हमारा महकमा ही चलाता है। महकमा? जी जी। सर जिहड़े लोग आंदे ने सिर्फ इसे इतनी जगह पे मनते हैं, क्योंकि ऐसे गेट वेखे उत्थे भी काफ़ी धागे बने? गेट पे भी बांधते हैं, लेकिन वो इसलिए बांधे थे कि वो कोरोना में ना बांध हो गया था दरबार, तो वो जो आते थे जरीन फिर उधर गेट पे बांध देते थे। सर बड़ा मशहूर है जी मज़ार की जी छत है वो कोई नहीं, और अज असी आप वे आके वेख्या कि वाकई यार मज़ार की छत कोई नहीं। सर इसकी की वजह, छत क्यों? ये हमारे तो आने से पहले छत नहीं आती, लेकिन सुनने कोई सुने होएगा तरीके में यही आया कि छत दो तीन दफ़ा बनाई है, छत ऊपर नहीं रहती, जब भी छत डालते हैं गिर जाती है। तो अल्लाह की रहमत जो है बारिश वो आती है, बारिश आती। जी जी लोग कहते हैं जी बारिश, लोग कहते हैं बारिश नहीं आती, लेकिन अल्लाह की रहमत है बारिश आती है। ये दोनों का एक मिजार है। वो बारिश की ये कंडीशन है कि अगर हवा अंधेरी के साथ हो फिर अंदर बारिश नहीं आती, तिरछी हो तो सीधी हो तो फिर वो आती है, बाहर तेज अंदर बारीक फुहार आती है, बारिश आती है। जी ये दरबार शरीफ 24 घंटे खुले? नहीं, रात 9 बजे बंद हो जाता। किस किस्म के सर लोग आते हैं, किस किस्म की मन्नतें मानते हैं और क्यों लोग आते हैं? ज़्यादातर तो लोग आशिक मिजाज हैं, औलाद वाले होते हैं, बीमारी वाले होते हैं, हर किस्म के लोग होते हैं, लेकिन ये कि इन्हें जी दुआ है मंजूर हो जाए। सर ये जो मज़ार है ये काफ़ी हाइट पे है, इसकी की वजह? ये टीला से, ये मगरब साइड है, मशरक साइड, मशरक साइड से दरिया चलता रहा, चनाब चनाब 80 साल तो चला गया मगरब साइड से। ये बेला जिते हम तुम खड़े हो, ये हाइट जी है बेले की, इतने रांझे ने 12 साल बह के माई दी मझा गाव चराई हैं। जगह पर असं खड़े हैं वही जगह है? वो जगह जैनियन। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਹਾਈਟ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੜੇ ਬੜੀ ਹਾਈਟ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਜੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਂਝਾ ਬਹਿ ਕੇ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੈ ਸ਼ਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜੰਗ ਸਿਟੀ, ਜੰਗ ਦੋ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਣਾ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਜੰਗ ਸਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਸਿਟੀ। ਅਸਲ ਜੰਗ ਉਹ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ, ਨਵਾਬ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਇਹ ਚੁਚਕਾਣੇ ਸਿਆਲ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਬਾਰੇ ਨਵਾਬ ਚੂਚਕ ਨੂੰ ਚੁਚਕਾਣੇ ਸਿਆਲ, ਮਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸਲ ਇੱਜ਼ਤ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਤਖਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਸਖਤ ਸਿਆਲ ਹੈ। ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੀਦੋ ਰਾਂਝਾ ਸੱਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰੇਗਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਹੀਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਬਦਲੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸੱਚੇ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਕ ਮਿਜਾਜੀ ਵਾਲਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ? ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਹੁਰਮ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੁਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਲਮੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
मैं आया तू ना आई तू आया मैं ना आया ये सारे फिक्र लिखे ने और उस एक मुहर्रम तो दस मुहर्रम तक और सुनता है बेशुमार दुनिया होती जैसा शुमार ही कोई अनगिनत दुनिया होती दिन रात दरबार खुला रहता बाकी मेला 7 अप्रैल में होना जी है मेला स्टेडियम तेरे को इस मेला स्टेडियम के मेला लगता माही साहब के नाम से बाकी जिसने भाई दुआ मंगी ना वो दुआ पूरी हुई इंशाअल्लाह इस मज़ार से आके जिसने भी दुआ मंगी उसकी दुआ पूरी नेक मकसद वाली दुआ पूरी हुई और जी बे औलाद आई है वह साहब औलाद होके गई है मेरा मैं 12 साल इतने रहा इन्होंने अपनी वैसे औलाद आई इन्होंने इन्ह औलाद वाला काम ही नहीं किया असं किया तो वक्त में फटे फिरना सुबह तो शाम चक्कर नहीं हेरा फेरियाँ करते फिर बंद ये औलाद इन्होंने काम है इन ये अल्लाह लेने वेखो भी ये बैत किस दी मेरा कैमरामैन विकास अगे तो क्योंकि जरा कबर के उत्ते कतबा लगा है और कतबे के उत्ते जो अल्फाज लिखे हुए हैं असं वो जरा पढ़ के विखा देने ये लिखिया जी मशहूर आशिक सादिक मियाँ मुराद बख्श उर्फ मियाँ रांझा माई इज़्ज़त बीबी मारूफ माई हीर सियाल दोनों इस जगह मदफून हैं जो वलीउल्लाह कामिल और हज़रत शेख अहमद कबीर साहब फरजांद सैयद जलाल बुखारी ओची के खलीफा सादिक हुई हैं और शहर झंग के आबाद करदा सैयद जलाल साहब से बहलोल लोधी बादशाह आपका मुरीद हुआ है सारी उम्र मनाजिर फ़कर तय करने में गुजारी मियाँ फजल इलाही रांझा सजादा नशीन दरबार मोहम्मदिया नक्शबंदी सोहरवर्दी कादरी चिश्ती साकन वहाँ मियाँ ज़िला अच्छा सॉरी हाँ मियाना ज़िला शाहपुर ने साल सन केड़ा सर ये सन लिखा है 1714 ईस्वी यानी ये उन्होंने इस मज़ार में तमीर कर हाँ जी तमीर करवाया सर सर कि जगह हो मैं जी लाहौर से अच्छा आप लाहौर से प्रॉपर इधर के रहने रहने वैसे लाहौर ही रहते हैं इधर भी रहते हैं कभी कभी इधर आ जाते हैं तो ये आप कभी कभी इधर क्यों आते हैं वैसे ही सलाम करने के लिए क्योंकि मैं लाहौर में था तो कुछ लोग मुझे कहते थे कि माई हीर का दरबार मशहूर है तो मैंने कहा मैं उधर का रहने वाला हूँ मगर मैं वहाँ कभी गया नहीं हूँ तो आप पहली दफ़ा हाँ नहीं मैं दूसरी मरतबा आया तब मैं स्पेशल आया था मैंने कहा यार लोग पूछते हैं कि आप ज़िला झंग के रहने वाले हो तो आप कभी दरबार पर नहीं गए तो इस दरबार आप झंग के रहने वाले हो यार लोग पूरी दुनिया से दूर बाहर के ममालिक से आते हैं आप झंग के होके यार दरबार पर नहीं है इसकी क्या तवज्जो नहीं ना कि इसलिए फिर मैं स्पेशल लाहौर से इधर आया था यहाँ की वीडियो बना के लेके गया वहाँ उनको दिखाया फिर हमने कहा कि यहाँ इसकी छत नहीं है यहाँ इसके अंदर पानी भी नहीं आता इसकी सबसे ज़्यादा ये चीज़ मशहूर पानी तो भाई कह रहे हैं वो पानी तो आता है कौन कह रहे हैं पता नहीं मैंने तो यही सुना कि यहाँ नहीं आता जब मैं यहाँ आया था तब बारिश हो रही थी तो आप कभी ऐसा करें ना यार आप तो झांक के रहने वाले हैं जब बारिश होती है तो नहीं, आप पिछली मरतों में आया था तब बारिश हो रही थी बाहर मगर इसमें बिल्कुल हल्की हल्की सी फुहार आ रही थी पूरी बारिश जिस तरह पानी आता है ना वैसे नहीं आ रहा था हल्की हल्की सी आ रही थी जिस तरह आप अकेले आए हैं या आपके दोस्त भी पूरी फैमिली आई है अच्छा हाँ जी कोई मन्नत वगैरह भी मानी मन्नत वगैरह मैंने एक मानी थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी हो चुकी है अच्छा हाँ जी मैंने मन्नत यहाँ मानी थी बिल्कुल दो मरतबा मैंने मानी है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई है इस बात का मैं मन्नत मानने के बाद फिर आप अच्छे बच्चे हो गए बिल्कुल अच्छी बात मैं दोबारा फिर वही आया हूँ इसलिए मन्नत पूरी हुई है तो मतलब कोई नवा काम करना है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बाकी ये है कि जो उनसे दिल की मुराद होती है ना खैश दिली खैश और जो नेक पाक होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होती है मैंने तो दो मरतबा जमा चुका हूँ बाकी लोगों को तो पता नहीं है मुझे कहाँ से आए हो गोजरा से गोजरा से आए हो दरबार शरीफ पे तो इधर हम खेलने आए थे तो साथ से दोस्त कहते थे दरबार शरीफ पे तो आपने सलाम कर हाँ जी सलाम नाम सुना था पहले हाँ जी क्या सुना था इनके बारे में ये दरबार था इतना ज़्यादा तो कुछ नहीं सुना वैसे वैसे कहानियाँ सुनी हैं लोगों से घर वाले बताते हैं ज़्यादातर घर वाले क्या बताते हैं कहानियों में ये माई ही ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे तो ये मर गए फोर एक अभी आपकी जब अम्मी अबू आपकी वीडियो देखेंगे और आपसे ये आपकी कुटाई नहीं करेंगे कि आप उधर क्या लेने गए उनको पता तो हमने क्रिकेट खेलने भेजा था और आप पता नहीं साथ ही ग्राउंड उनको पता या एक दो लेते वैसे सलाम कर आए सलाम करने क्यों आए वैसे दिल करता जी मैं दोबारा सलाम का इन्हें बारे तुम कहानियाँ पढ़े होएगा फिल्मा वेखियाँ होनगियाँ जी हीर रांझा फिर असं हीर रांझे के मज़ार से आए हैं बच्चे शच्चे भी थोड़े नाल हाँ जी बच्चे सारी फैमिली आई हीर रांझे के बारे तुम कुछ जानते हो कि सच्चा एक कवर चाहिए नहीं काम मारे जाता जी
ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੱਚਾ ਦੇ ਗੀਤ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸੱਚਾ ਨਾਲ ਗੀਤ ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਣੇ ਆ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਸੱਚਾ ਜੀ ਗੀਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਦਫ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਛਿੱਕੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਜਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਬਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂਦਾ ਜੀ ਯਸ ਇਬਰਤ ਹੀ ਹੈ ਸੈਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਇਬਰਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲੇ ਸਾਈਂ ਛਿੱਕੀ ਪਾਵੇਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਸੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਿੱਧਰ ਸੇ ਆਏ ਗੋਜਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਆਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਆਏ ਤੋ ਕਿਆ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਥਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਨਾ ਉਹ ਬਤਾ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਧਰ ਆਤੇ ਹੈ ਮੰਨਤੇ ਮੰਨਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਧਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਉਧਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਕਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਨਾ ਹੀ ਥਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਇਧਰ ਵਹੀ ਮੰਨਤ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੰਨਤ ਸ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਈਦਾ ਵਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਬਸ ਦੋਸਤ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੁਬਈ 'ਚ ਸੋਦੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਦਰਬਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਆਇਓ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਇਆ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਬਿਲ ਤਵੱਜੋ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜੰਗ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੰਨਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਤ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਮੰਨਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰ ਬੜੀਆਂ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਤ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਰਾਂਝਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਫਸਾਨੇ ਬਣਾਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਥੈਂਟਿਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਥੈਂਟਿਕ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨਸੀਨ ਜੰਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਨਸਰ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਨੂੰ ਜੰਗ ਰੰਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼